हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट। मैं पिछले वीडियो में आर्टिकल के जितनी भी रूल है, जितने भी रूल आप लोग के लिए जरूरी है, क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए, क्लास 12th के लिए, मैं सभी रूल्स को ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। तो उसी रूल को आज समझ लेते, क्योंकि मैं एग्जांपल्स उसमें बहुत कम बताया था, है ना। प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास है हम लोग का, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चंस को, सभी को समझते हैं और इसका आंसर करते हैं ना। पहला क्या दिया है, हिज फादर ब्लैंक SDO। देखो ऐसा शॉर्ट फॉर्म वाला आता है तो क्या आएगा, बताया था मैं आप लोग को। अगर रूल देख नहीं लिखे हो तो एक बार इसको क्या करो, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, सभी रूल्स को साइड में रखिए, फिर जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग को, सभी का आप लोग खुद करके देखेंगे, है ना। तो हिज फादर, एस बोलने से ए आ रहा है आवाज़, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन लिखेंगे। क्लियर है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, वी सा, ठीक है, वी सा ब्लैंक मूवी लास्ट वेंसडे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, वी सा आएगा, क्योंकि मूवी है और एम से स्टार्ट है, ठीक है। आई सी अ गर्ल ऑन द रोड हो जाएगा, ठीक है। इस पे आप लोग याद रखेंगे, रोड हो चाहे कोई विंडो हो, डोर हो, उस टाइम हम लोग द का यूज करते हैं, कोई बिल्डिंग का नाम हो तब भी हम लोग द का यूज करते हैं, क्लियर है। अगला दिया है, मिस्टर घनश्याम इज ऑनरेबल मैन। देखो ऑनरेबल एच से स्टार्ट है, लेकिन उसका साउंड क्या रहा है, अ का आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, क्लियर है आप लोग को। ही, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही हैज बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर ब्लैंक मंडे, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, इसमें मंडे लिखा हुआ है तो क्या आएगा, ही हैज बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर। एक्चुअल में देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, नो आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्लियर है। ये दूसरे के लिए यूज हो रहा होगा, इसमें बाई मिस्टेक इस क्वेश्चन को मैं लिख लिया हूँ, ठीक है। इसमें नो आर्टिकल लिख सकते हैं अगर मे बी ऐसा आता है तो, ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। मतलब नॉर्मल 10th 12th के क्लास में नहीं, बट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलाते हो तब ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम लोग को नो आर्टिकल लिखना होता है, ठीक। छठवा, सी गिव मी अ ब्लैंक बुक यस्टरडे, तो इसमें क्या आएगा, देखो बुक है और बी सी स्टार्ट है, कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पर अ यूज करेंगे, अ बुक हो जाएगा। द ओल्ड मैन डाइड, ठीक है, और इसमें क्या लिखा, मलेरिया, तो इसमें तो या तो इन यूज करना है या ऑन यूज करना है, दोनों में से इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दूसरे के लिए था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वर्क हार्ड मैक खाली स्थान परफेक्ट, तो मेक अ परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। द ट्रेन इज, देखो ए से स्टार्ट है तो यहां पर क्या आएगा, एन का यूज करेंगे हम लोग, क्लियर है आप लोग को, ठीक। नंबर 9 को है ना, द ट्रेन इज एन आवर लेट, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते, 10 नंबर का, राम इज खाली स्थान MLA, तो यहां पर क्या आएगा, आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। एम ए बोल रहे हैं तो ए साउंड आ रहा है ना, इसलिए यहां पर एन का यूज करेंगे, क्लियर। आई हैव, डब्ल्यू से स्टार्ट है तो आई हैव अ वॉच, माई फादर वॉज खालिस्तान लॉयर, माई फादर वॉज क्या आएगा, अ लॉयर, ठीक है। ही इज खालिस्तान दिया हुआ है, ही इज एन, आई से स्टार्ट हुआ इसलिए इंडियन, एंड सी इज यू से, देखो ई से चालू है बट इसका साउंड क्या रहा है, यू का रहा है, इसलिए यहां पर ए का यूज करेंगे, ठीक है। यही सब चीज समझना है हम लोगों को, यूरोपियन होगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हिज फादर इज MSc, एम तो एन MSc गोल्ड मेडलिस्ट आएगा। 15, आई फाउंड वन ब्लैंक दिया, उसके बाद वन लिखा है, उसको व आवाज आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या का यूज करेंगे हम लोग, ए का यूज करेंगे, क्लियर है। जितनी भी मैं आप लोगों को बताया था सभी को फुलफिल हो रहा है इसमें रूल, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे आप लोग को। इसका प्रैक्टिस से 2 आएगा, जिसको आप लोग पूरा का पूरा आप ही लोग करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी उसका भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को बता दूं, ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, किसी न किसी ईयर पे आया हुआ है, असाइनमेंट पे आया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से हो सके तो नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंजू प्लेस ब्लैंक पियानो वेल, तो इसमें देखो पियानो है,
तो पी से स्टार्ट है इसलिए फिर प्लेस अ पियानो वेल हो जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखो ईस्ट क्या है, एक दिशा का नाम है, तो दिशा के नाम पे क्या रहेगा, द लगेगा, मैं पहले से बताया था, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक दिया है, बॉय इज गोइंग टू स्कूल, अ बॉय हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अ बॉय इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है 19वां नंबर का, द काउ इज खालिस्तान यूजफुल एनिमल, यू लिखा है, देखो यू लिखा है और उसका साउंड क्या रहा है, यू का आ रहा है, और हम लोग पहले ही देखे हैं, अगर ई और यू वाला नियम जो देखे थे ना, तो यहाँ पर क्या इज अ यूजफुल हो जाएगा, क्लियर है, ए का यूज होता है अगर साउंड यू का हो तब, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है, देयर वॉज, देखो नॉक लिखा है, के से स्टार्ट है और न साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए यूज कर, नॉक ऑन, और यहाँ पर द का यूज करेंगे, क्लियर है। ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन था, आप लोग का जितना भी आया था एग्जाम में वही सब क्वेश्चन लिया गया है, और भी प्रैक्टिस सबके लिए आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे आप लोग, ताकि आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी एक हाई लेवल क्लास वाली होती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, वीडियो शेयर जरूर करेंगे आप।